नमस्कार, जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का एक वीडियो है एक अलग प्रेडिक्शन के बारे में, हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के बारे में। आज का प्रेडिक्शन राशि का फल नहीं है, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जानने लायक है कि कौन कौन से नक्षत्र में शादी कर सकते हैं, कौन से नक्षत्र में शादी नहीं करना चाहिए। हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में आज बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे नक्षत्र मैचिंग के बारे में, राशि मैचिंग के बारे में। राशि और नक्षत्र कोई अलग नहीं है, नक्षत्र जो हैं वो राशि के अंदर ही आते हैं। बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि नक्षत्र फल अलग है और राशि फल अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। नक्षत्र कैलकुलेशन है, बहुत सटीक कैलकुलेशन होता है और नक्षत्र जो है वो राशि के अंदर ही आता है, नक्षत्र से ही राशि बनती है। सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती है, तो राशि और नक्षत्र कोई अलग नहीं है। लेकिन नक्षत्र बेस्ड जो प्रेडिक्शन होता है बहुत एक्यूरेट होता है। और आज के मैचिंग के अंदर, आज के ये प्रेडिक्शन के अंदर बात करेंगे नक्षत्र राशि मैचिंग के बारे में। तो आज के प्रेडिक्शन के अंदर बात करेंगे मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में कोई जातक का जन्म हुआ है और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में कोई जातक का जन्म हुआ है, तो ये दो जातक का विवाह या युवक युवती की जो बात कर रहे हैं हॉरोस्कोप मैच मेकिंग के अंदर। अन्यथा बिजनेस के अंदर भी पार्टनरशिप करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र और तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो के आखिर में आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सर्वप्रथम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र के बारे में। तो अश्विनी नक्षत्र का जो तारा चक्र है ये बहुत समझने वाली बहुत 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 अगत्य की बात है कि नक्षत्र के अंदर कौन सी योनि है, नक्षत्र के मालिक कौन है और नक्षत्र की नाड़ी क्या है। तो ये तीन चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और सर्वप्रथम बात करेंगे योनि के बारे में। तो योनि जो है बहुत मायने रखती है, खास करके विवाह के अंदर, मैरिज के अंदर। योनि इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों पार्टनर, दो व्यक्ति जो है जिसकी शादी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को कितना सेक्सुअल रिलेशन, यौन संबंध कितना उनका सुखी रहेगा, कितना हैप्पी रहेगा, कितना एक दूसरे को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, खुश रखेंगे कि नहीं एक दूसरे को, ये योनि से पता चलता है। तो योनि इज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत माने बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रेडिक्शन खास करके जो शादी ब्याह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में सेक्सुअल रिलेशन के बारे में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योनि का समझ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खाली गुण देख के आप ऐसा मत सोचिए कि ये 36 में से 30 गुण मिल गए, 32 मिल गए, 34 मिल गए तो आपका लाइफ हैप्पी रहने वाला है, ऐसी बात नहीं है। तो नक्षत्र के हिसाब से आप जानिए कि ये प्रेडिक्शन कैसे इफेक्ट करता है। तो सर्वप्रथम आज बात करेंगे मेष राशि के लिए अश्विनी नक्षत्र और तुला राशि के लिए स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो मेष राशि में जो अश्विनी नक्षत्र है, इसकी जो योनि है वो अश्व योनि है। अश्व माने घोड़ा। इसकी जो नाड़ी है वो आद्य है और गण है वो देव है। तो अश्व माने घोड़ा। घोड़ा जो होता है वो दौड़ने के लिए बना होता है, घूमने के लिए बना होता है और बहुत एनर्जेटिक है। और सबसे पावरफुल जो योनि है पृथ्वी के ऊपर वो है अश्व योनि, जिसका जो काम पावर है, सेक्स पावर है, सबसे पावरफुल है इस पृथ्वी के ऊपर, वो योनि है अश्व योनि। अब जो बात करेंगे तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो तुला राशि में जो स्वाति नक्षत्र हैं उसकी भी, इसकी जो उसका गण है वो भी देव है
नाड़ी अंत्य है, लेकिन जो योनि है ये महिषी योनि है। महिषी माने भैंस, भैंस माने बफेलो। तो बफेलो जो है वो प्रोडक्टिव तो है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत मंद है, और सबसे मंद काम शक्ति जो बोले तो भैंस की है, बफेलो की है। आप देखो कि जो स्पीड है चलने की ये भी बहुत स्लो है। तो जो घोड़ा दौड़ता है, जो घोड़ा चलता है तो भी भैंस को दौड़ना पड़ता है, तो साथ में चलने वाली तो कोई बात हुई नहीं। अब काम शक्ति बहुत मंद है और अश्व योनि की काम शक्ति बहुत पावरफुल है, और नक्षत्र के जो मालिक हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो मालिक हैं वो केतु हैं, और जबकि तुला तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है, इसके नक्षत्र मालिक जो है वो राहु हैं। अब राहु और केतु जो हैं वो ऑलवेज 180 डिग्री एक्सिस पर रहते हैं, 180 डिग्री के ऊपर। राहु नॉर्थ में है तो केतु साउथ में है, राहु ईस्ट में है तो केतु वेस्ट में है, ऑलवेज 180 डिग्री एक्सिस रहता है। तो राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, राहु और केतु का कभी मिलन हो नहीं सकता है। राहु और केतु हमेशा अपोजिशन में ही रहेंगे, एक्सट्रीमली 180 डिग्री पर रहेंगे, और राहु और केतु का कॉम्बिनेशन आप कर भी दो, मतलब कोई दो नक्षत्र वाले का शादी ब्याह मिलन कर भी दो, तो थोड़ा टाइम ये साथ में रहेंगे, 4-6 महीना 12 महीना मैक्सिमम, उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गुणधर्म है, ये दोनों के बेसिकली गुणधर्म है, जो नक्षत्र से हमने बताए हैं वो मैच ही नहीं करते हैं। सबसे पहले तो जो योनि दोष होने के कारण क्या होता है कि सेक्सुअल रिलेशन के अंदर जबरदस्त प्रॉब्लम आती है। एक की काम शक्ति बहुत पावरफुल है, एक मंद काम शक्ति है, तो रिलेशन जो है वो दोनों का अच्छा नहीं होगा, सेक्सुअल रिलेशन, और उसके कारण भी जबरदस्त मैरिड लाइफ के अंदर तनाव आ सकता है, डिस्टर्बेंस आ सकता है। और समझो कि कोई भी कारण सर रिलेशन हो गया, तो ऐसे कॉम्बिनेशन से जो बच्चे जन्म होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बहुत अजीब प्रकार के होते हैं। इनका भी जो नेचर होता है बहुत उटपटांग होता है, तो बच्चे जो होते हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा शरारती हो जाए, तूफानी हो जाए, या तो मंद बुद्धि वाले जन्मे, ऐसी कोई भी परिस्थिति भी हो सकती है, तो बच्चे भी ठीक नहीं जन्मेंगे। इसलिए खास करके मैचिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से नक्षत्र में आप शादी ब्याह कर रहे हो, कौन से नक्षत्र वाले जातक से आप अपना रिलेशन रख रहे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में भी यदि पार्टनरशिप करना है तो भी मैचिंग देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसे बताया कि अश्विनी नक्षत्र वाला बहुत फास्ट काम करेगा, जो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में जन्मा हुआ जो जातक है ये इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि आगे जाके जो ये रिलेशनशिप है बहुत टेंशन के अंदर आ जाएगी। यदि ये शादी के अंदर है, लव रिलेशनशिप है, या तो बिजनेस के अंदर है, कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं चलेगी तुला राशि में स्वाति नक्षत्र और मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र। यदि आपको मालूम नहीं है कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है, तो आप आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है 9998011838। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो भी नंबर अवश्य नोट करें। वंस अगेन आपको नंबर बता देते हैं, नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। तो देखते रहिए ऐसे ही नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल प्लस इत्यादि माध्यम से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, और देखते रहिए ऐसे ही नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर। आपका कोई भी सुझाव है, आप कुछ नया जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो
आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और अब जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ऐसी शुभकामना करते हैं। ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।